बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले सभी हजरात हाथ खरीद के साथ होंगे। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए महमूदाबाद का नाला मंजूर कॉलोनी के साइड पर मौजूद हूँ और यहाँ से एक छोटी सी अपडेट देने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर जो पिछले दिनों अपार्टमेंट हुआ तो उसके बाद रोड नाला बनाया गया, नाले की बुनियादें डाली गई और रोड भी बनाया गया, फुटपाथें भी लग गई, सब कुछ हो गया, सारे काम हो गए, बिल्कुल फाइनल रोड, स्ट्रीट लाइट भी लग गई, फाइनल आवाम के लिए ये रोड को खोल दिया गया। लेकिन अब जहाँ तक मैंने सुना है और मेरे पास जो काइंड अभी इंफॉर्मेशन है वो यही है कि अभी भी यहाँ पर कुछ अकॉर्चमेंट यानी कि कुछ जगह पर और कटिंग की जाएगी, दोनों साइड से 30-30 फीट कटिंग और किया जाएगा, ये रोड को मज़ीद और चौड़ा किया जाएगा। 30 साइड या मेरे लेफ्ट साइड से देख रहे हैं यहाँ से 30 फीट और राइट साइड से जहाँ पर भी, दोनों साइड पे पहले भी कटिंग कर चुके हैं लेकिन अभी जो दोबारा कटिंग करने का सिलसिला है वो दोबारा एक बार फिर ऑपरेशन यहाँ पर किया जाएगा, जो 30-30 फीट कटिंग इजाफी और की जाएगी दोनों साइड से। अक्सर हमने आप लोगों को महमूदाबाद का नाला हो या महमूदाबाद के नाले के साथ जितनी भी आबादियां लगती हैं, हमने आपको मुकम्मल वहाँ की अपडेट फराहम की। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। आगे आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज है, इसकी भी हमने बनते वक्त की मुकम्मल अपडेट फराहम की थी आपको। बहरहाल ये दोनों साइड से ही ब्रिज निकलता है, एक साइड से महमूदाबाद की तरफ जाता है और एक साइड से मेन रोड की तरफ निकलता है। हम दोबारा यहाँ से आपको दूसरी साइड का भी दिखाते हैं। जैसे हमने अभी आने वाला रोड था, अब ये बाहर रोड की तरफ जाने वाला रोड है। 30 फीट यानी कि यहाँ से भी ये 30 फीट दोबारा यहाँ से सुनने में यही आया है और कुछ वीडियोस भी YouTube पर पड़ी भी हैं, जिसके बाद हमने सोचा आप लोगों को भी ये इंफॉर्मेशन दिया जाए। यहाँ पर वैसे स्ट्रीट लाइट वगैरह लगाकर इस जगह को मुकम्मल फाइनल करके आवाम के लिए बहाल कर दिया गया है और दोनों साइड से पिछले दिनों जो ऑपरेशन किया गया तज़ाफ़ुज़ात के ख़िलाफ़, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं मुकम्मल जो इस जगह को आवाम के लिए इस जगह को दोबारा बहाल कर दिया गया है कि आवाम यहाँ पर चलने फिरने के लिए रोड को इस्तेमाल कर सके। और स्ट्रीट लाइट भी जब यहाँ पर मगरिब की अजान होती है तो स्ट्रीट लाइट जो कि यहाँ की ऑन हो जाती है। तो काम बड़ा ही अच्छा हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काम हुआ है, यहाँ की आबादी भी बहुत खुश है इस काम से। लेकिन अब जब दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा तो फिर आवाम, जाहिर सी बात है, क्या होगा फिर उनका। बहरहाल नाला बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, आवाम के लिए मुकम्मल खोल दिया गया है। छोटी सी अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर अब हम दोबारा जहाँ से इंटर हुए थे वहीं पे हम बाहर हो गए। दोनों साइड मैंने आपको मंजूर कॉलोनी का दोनों साइड की आबादी दिखाने का बस
मकसद यही था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। उम्मीद करता हूँ देखने वाले हजरात से उन्होंने लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दे, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, किसी और न्यू अपडेट के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।